Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam की preparations भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके. जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से. मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि SSC CGL की वैकेंसी आएगी 10,000 से 12,000 सीटों के ऊपर, लेकिन लीजिए SSC ने तो मुझे झूठा साबित कर दिया. आपकी जो वैकेंसी निकल के आई है ना 18,000 के अप्रॉक्स है. तो चलिए अभी उसकी सारी डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं. पहले ही बता दिया है कि SSC की तरफ से CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकली है. टोटल पोस्ट 18,000 के अप्रोक्स है, 17,727 पोस्ट है. ये गोल्डन से भी बहुत बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए अप्लाई करने का डेट 24 जून से 24 जुलाई रहेगा. लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें. एंड आई होप कि आपने न्यू वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है. नहीं किया है तो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा. और हाँ, अगर इससे रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. वहाँ पे मैंने इसका सिलेबस भी डाल दिया है, Tier 1 और Tier 2 दोनों ही का. तो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ भी फॉलो कर लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ऑफिशियल पोस्ट होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत. इसके लिए मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. चलिए आगे समझे बाकी की डिटेल्स को. फॉर्म की जो फी होती है ना, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी कि 100 रुपया लिया जाता है. वहीं पर SC ST कैंडिडेट और फीमेल्स यानी महिला कैंडिडेट से कोई भी यहाँ पर फी नहीं लिया जाता है. अभी जैसा कि आपको बताया कि Tier 1 और Tier 2 का आपको सिलेबस दे दिया है, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि Tier 1 का एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी एग्जाम करा लिया जाएगा. तो हम अक्टूबर नहीं मान के चलेंगे, हम ये सोचेंगे कि एग्जाम सितंबर में ही होगा. फॉर्म अभी फिल हो रहा है और समय काफी कम है, तो अपना जो तैयारी है ना उसमें थोड़ा सा वर्क करिए. देखिए कि पिछले साल CGL में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप उसमें कितना सही कितना गलत कर पा रहे हैं, क्या आप सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं. तो ये सब चीज सुधारिए, मॉडल पेपर में अच्छा स्कोर करिए, हाई स्कोर करिएगा, तभी आपका एक सीट अचीव होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है. देखिए इसके लिए जो एज लिमिट है, सबसे पहले बता दूं किस डेट से कैलकुलेट होगा. एज ऑन 1st of August 2024, मतलब कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपकी एज की गणना की जाएगी. एज लिमिट की अगर बात करें तो 80 to 27 या 32, मतलब कि 18 से 27 या 32 वर्ष. मतलब कि कुछ पोस्ट ऐसे भी होंगे जिसके लिए आपका हायर एज जो रहेगा ना 32 इयर्स रहेगा, और कुछ के लिए 27, मिनिमम एज 18 वर्ष ही रहेगा. साथ ही साथ आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. OBC को 3 इयर्स का और SC ST को मिलता है 5 इयर्स का. तो आगे हम जानेंगे और भी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा. फ्रेंड्स देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है. जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास कर रखा है, मतलब कि जो बैचलर्स डिग्री जिनके पास भी है, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप एलिजिबल रहेंगे. चलिए फिलहाल देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. मैंने पहले दो बार दोहरा दिया है, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज का एग्जाम क्वालिफाई करना है. उसके बाद क्या होगा, आपका सिंपल सा एक DV यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो फॉर्म में फिल किया है वो सभी जानकारी सही है या नहीं है. तो देखिए दोनों एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है. आगे हम लोग समझेंगे एग्जाम का जो भी डिटेल्स है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है. देखिए पोस्ट आपका रहेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर इन CBI, सब इंस्पेक्टर इन NIA, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, ASO JSO, मतलब कि अलग अलग तरह का पोस्ट है. और ये सारा पोस्ट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग के ऊपर रहेगा. तो टोटल विभाग को मिला के 34 तरह का पोस्ट होगा, जिनको कंबाइन करने के बाद आपका 17,727 पोस्ट रहने वाला है.
चलिए, तो अब इतनी सारी पोस्ट आई है तो इसका अभी एग्जाम डिटेल्स आपको विस्तृत वे में यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए टीयर वन का जो एग्जाम होता है ना आपका ऑनलाइन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलता है। समय जो होता है ना 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का रहता है, और निगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब 0.50 और डिडक्ट किया जाएगा फॉर योर वन रॉन्ग आंसर। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो टीयर वन में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के भी 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, एंड लास्टली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। तो ये आपका टीयर वन का एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें क्वालिफाई करोगे आप तभी आपको टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा। टीयर टू का क्या एग्जाम पैटर्न है चलिए मैं बता दूं। टीयर टू जो आपका होता है ना ओवरऑल 2 आवर्स 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 का देखा जाता है। अब इसमें 3 तरह का सेक्शन होता है, तो सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन कितना टाइम रहेगा किस सब्जेक्ट के लिए क्या मार्क्स है सभी समझा देती हूँ। सेक्शन वन में आपका मैथ्स का होता है और रीजनिंग का होता है, दोनों से 30-30 क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का आपका सेक्शन वन होता है। टोटल अगर बात करें ना तो देखिए मैथ का 30 रीजनिंग का 30 तो टोटल 60 प्रश्न हो गया, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाता है, तो ओवरऑल मार्क्स सेक्शन वन का 180 हो गया। सेक्शन टू में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 यानी 25 क्वेश्चन, ओवरऑल 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपका ये भी सेक्शन 1 घंटे का होगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो इस सेक्शन 2 के लिए आपको टोटल 210 मार्क्स रहेंगे। सेक्शन 3 में कंप्यूटर का रहता है, देखिए पहला 15 मिनट कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल ये 60 मार्क्स रहेगा। और जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्टली आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट का होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग में क्या रहता है, इंग्लिश का रहता है 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, तो ये आपका टाइपिंग होगा। देखिए टीयर टू में लगे हाथों तो आपका टाइपिंग भी करा लिया जाएगा, इससे क्या होगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस फास्ट हो गया है, तो जब टीयर टू क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको सिंपली बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, उसके बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब करने का मौका मिलेगा एज ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट, इंस्पेक्टर, ऑडिटर, जेएसओ, यूडीसी, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है इसके अंतर्गत, अच्छे पोस्ट है तो सैलरी भी अच्छी मिलती है। शुरुआत में आपकी सैलरी होती है 35,400 मतलब 35,400 से शुरुआत होती है, सैलरी आपकी बाद में बढ़ के ना 1.5 लाख के करीब हो जाती है। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन तो अपलोडेड है ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी जानकारी आपको अभी बताया है इस पोस्ट के बारे में, सीजीएल के बारे में, आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर क्वेरी सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।